ज्वाला जी में एक के बाद लगातार हो रही चोरियों के बाद यहां के शहरवासी सहम उठे हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सफलता नहीं लगी है और चोरों को पकड़ने में पुलिस बेबस नजर आती दिख रही है। आलम यह है कि एक माह के अंदर ज्वाला जी में 4 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं और इन चोरियों को अंजाम देने वाले लोग अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर खुले में घूम रहे हैं। ऐसा कहने से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगला घर अब इन चोरों के निशाने पर किसका होगा। वहीं ये चोर अब ऐसे घरों को अपना निशाना बना रहे हैं जो गरीब तबके के हैं और मेहनत मजदूरी कर अपने पैसे जमा कर जरूरत पर पड़ने वाले कार्यों के लिए घर में रख कर बैठे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक ये अज्ञात चोर 1 महीने में ज्वाला जी शहर में 4 से अधिक घरों के ताले तोड़कर यहां रखी नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर चुके हैं। चोर इतनी सफाई से चोरी की वारदात को दिन दिहाड़े में ही अंजाम दे रहे हैं कि इसकी भनक यहां साथ में रह रहे पड़ोसियों तक को भी नहीं लग रही है। अभी तक चोरों द्वारा दोपहर के बीच सारी वारदात को अंजाम दिया गया है। यही नहीं, ये चोर उन घरों को अपना निशाना बना रहे हैं जो इस दौरान अपने घर से किसी कार्य के लिए बाहर गए हुए हैं। वहीं इन अज्ञात चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए भी सिर दर्द बना हुआ है। हैरानी की बात है कि लगातार हो रही चोरियों के बाद ज्वाला जी पुलिस प्रशासन का दावा है कि उन्होंने शहर में गश्त बढ़ा रखी है, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी सफलता नहीं लगी है। नतीजतन शहर में हो रही चोरियों पर लगाम नहीं लग रही है और आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। इधर शहर में हो रही चोरियों के बाद अब लोग भी सहम उठे हैं और वह लगातार पुलिस प्रशासन से इन मामलों में संलिप्त चोरों को जल्द पकड़ने की मांग उठा रहे हैं। क्यास लगाए जा रहे हैं कि जिन चोरों द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है वे भलीभांति जानते हैं कि किस समय घर में कौन मौजूद नहीं होगा। अब तक पुलिस इन चोरों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है शहर में, इसकी भी चर्चा किसी से छुपी नहीं है। अब देखना ये होगा कि अपने आप को स्मार्ट कहने वाले ज्वाला जी पुलिस के हाथ कब ये अपराधी लगते हैं। DSP ज्वाला जी तिलकराज ने कहा कि शहर में हुई चोरियों के बाद पुलिस ने सिविल ड्रेस में कुछ एक पुलिस के आदमी लगाए हुए हैं जो हर संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी रखे हुए हैं, साथ ही हर गली में घूम रहे हैं। इस बीच संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है। जल्द ही इस मामले में संलिप्त आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पिछले कुछ समय में ज्वालामुखी में दिन में भी चोरियां हुई हैं। इसके लिए मैंने अलग से सिविल में कुछ अपने लड़के लगाए हैं। दिन के समय भी गली में बाजार में गश्त कर रहे हैं, जैसे कोई हमें मिलेगा संदिग्ध व्यक्ति या मिल रहे हैं तो उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी कोई सुराग चला नहीं कि जल्द ही भविष्य में निकट भविष्य में इसका सुराग चल जाएगा, जल्द ही पता लगेगा। PR टीम के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।